जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग हैं महाराजगंज के गणेश शंकर विद्यार्थी इंटर कॉलेज में, और जो आप दीवार पर चित्रकारी देख रहे हैं इन बच्चियों के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं 9 अप्रैल को, और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत बेहतर व्यवस्था किया गया है, और विद्यालय के बच्चियों के द्वारा भी दीवार पर पेंटिंग बनाया जा रहा है और समाज को संदेश भी देने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेफ वाटर, और चूंकि भारत का झंडा कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में भी फहरा रहा है, तमाम लोग चंद्रमा पर भी गए हैं, मंगल पर भी गए हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उनको उनके सम्मान में यह चित्रकारी की गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो तेज़ी से विकसित हो, बहुत आगे जाए, सबका प्रयास है रहे, और उसको ध्यान में रखते हुए इन बच्चियों के द्वारा चित्र बनाया गया है। तमाम तरह की कलाकृतियाँ हैं, हम सभी आपको बारी बारी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग कीजिए काम, अभी हम आपसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर भी देख सकते लिखा गया है हम सब एक साथ, यानी हम सबको मिलकर साथ रहने की जरूरत है और समाज को बढ़ाने की जरूरत है। इधर भी कुछ बच्चियाँ पेंटिंग बना रही हैं, और अभी कुछ इनका काम बाकी है, कुछ शायद अधूरा है। तो आप लोग क्या बना रही हैं? दहेज प्रथा पे हम लोग बना मतलब रहे हैं। दहेज प्रथा को समाप्त किया जाए, उस मतलब जो बुराई है उसको समाप्त किया जाए समाज से। तो चूंकि अभी मतलब कलाकृति अधूरा है, इधर भी कुछ चीज़ें आपको हम चलकर दिखाते हैं। दोस्तों, महाराजगंज का गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रांगण है, और इसी की यहाँ पर भी देखिए तमाम बच्चियों के द्वारा कलाकृति बनाई जा रही है। तो इस कलाकृति को बनाने का क्या मकसद है? यहाँ पर अभी कुछ लिखा नहीं है। ये बनाने का मकसद ये है कि हम 12th के बाद क्या करियर में कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ पे सब हम लोग लिख देंगे और सबको पता रहेगा कि 12th के बाद हम लोग करियर में क्या कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो क्लास 12 के बाद तमाम क्षेत्रों में उनको चयन करना रहता है कि हमें किस एरिया में जाना है, तो उसको अभी चूंकि अभी कलाकृति अधूरी है, अभी इसको पूरा बनाने का प्रयास किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। और इधर भी तमाम बच्चियाँ इधर बना रही हैं, लोग थोड़ा इनसे भी बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर थोड़ा आ जाइए, इधर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम स्थल है यही, और पूरा पंडाल जो आप देख रहे हैं यहीं पर योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन होगा। 9 अप्रैल को महाराजगंज जिले में आने वाले हैं, और 2,790.57 करोड़ के जो उनका कम से कम लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे योजनाओं का, तो बहुत बड़ी धनराशि होती है, 2,790 करोड़ लगभग धनराशि है। तो देख सकते हैं कितना बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है, पूरा चेयर लगाया गया है, तमाम मजदूर कर्मचारी लोग अपना काम कर रहे हैं। और चूंकि दोस्तों आप इधर दिखा दीजिए, यही मतलब है मेन हाईवे के बगल में ही है विद्यालय गणेश शंकर विद्यार्थी, और इसी के जो बगल में है पीजी कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज। तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज का बाउंड्री वाल और गणेश शंकर विद्यार्थी का बाउंड्री वाल दोनों एक ही है। यहाँ भी बच्चियाँ कलाकृति देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग बना रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह की कलाकृतियाँ कहीं ना कहीं बच्चों में एक तरह से पेंटिंग के प्रति उनके रुझान को भी बताएगा, और साथ ही साथ समाज को एक संदेश देने का इनके द्वारा बहुत ही बेहतर काम किया जा रहा है। कुछ और भी हम चीज़ें आपको चलकर दिखाते हैं, बंद करो।